नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आज का राशिफल। आज हम बात करेंगे 26 सितंबर 2024 गुरुवार के राशिफल के बारे में। इस वीडियो में हम खास तौर पर तीन प्रमुख सवालों पर ध्यान देंगे। शिक्षा, आज आपकी पढ़ाई और शैक्षिक प्रयासों में क्या प्रगति हो सकती है, क्या आपको अपनी पढ़ाई में कोई नई दिशा मिल सकती है। नौकरी के बारे में, आपकी नौकरी की स्थिति और करियर के मामले में आज कौन सी संभावनाएं हैं, क्या आपको किसी प्रमोशन या नई नौकरी का मौका मिल सकता है। व्यापार, आज के दिन आपके व्यवसाय के लिए कौन कौन से अवसर सामने आ सकते हैं, क्या आपको निवेश और व्यापार की नई योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेटेड रह सकें। इस तरह के सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अब जानते हैं 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2081 हिंदू पंचांग के अनुसार मास अश्विन है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु शरद ऋतु है। आज नवमी तिथि दोपहर 12:25 तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज पुनर्वसु नक्षत्र रात 11:34 तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग परिघ योग रात 11:41 तक रहेगा, इसके बाद शिव योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में शाम 5:13 तक गोचर करेंगे, इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:12 पर होगा, आज चंद्रोदय रात 1:03 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। आज राहु काल दोपहर 1:42 से शुरू होकर दोपहर 3:12 तक रहेगा। आज दशमी श्राद्ध है। अब जानते हैं 26 सितंबर का राशिफल। मेष राशि। प्रिय मेष राशि के जातक, जैसा कि चंद्रमा कर्क में रहता है, आपको ये पता लगाने के लिए सबसे अधिक राहत मिलेगी कि जो समस्याएं आपको कुछ तनाव दे रही हैं, अंततः स्पष्ट होने लगेगी। ये एक मामूली उत्सव के लिए कॉल करता है, क्योंकि लोग अंततः आपके एहसास के लिए आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा आज कि कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है, इसलिए इस क्षण का स्वाद लें और फिर अपने आगे की चुनौतियों और अवसरों के लिए अपने मोजे को खींचें। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है, पार्टनर के बारे में ख्याल आज आपके प्रेम संबंधों को गर्मजोशी से भर देगा, लव लाइफ अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आज आप अलग निर्णय ले सकते हैं। आज आप पाएंगे कि आपको अपने काम के लिए अपनी छुपी हुई प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। शायद आपको नहीं पता कि आप कितने कलात्मक और प्रतिभाशाली हैं। नए विचारों का प्रयोग करने में बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि शायद इन विचारों से आपका काम बन जाए। आपके उच्च अधिकारी व सहकर्मी आपकी प्रतिभा को देखकर आपसे प्रभावित होंगे और आपके प्रोजेक्ट को देखकर आपकी प्रशंसा करेंगे। विदेश में होने वाले लेन देन या साझे के काम से अच्छे लाभ के संकेत हैं। खासकर किसी विदेशी पार्टी से साझेदारी की सोच रहे हैं तो बातचीत के लिए ये बहुत ही बढ़िया समय है। जो लोग किसी यात्रा पर निकले हैं, उन्हें अपने कार्यक्रम में बदलाव भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान उनके व्यवसाय में कोई नई प्रगति हो सकती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई परेशानी है, तो आज आप पाएंगे कि आपकी ये परेशानी काफी हद तक ठीक हो रही है, आपकी सेहत ठीक हो रही है। दोपहर 2 से शाम 4 तक का समय लकी रहेगा, सफेद रंग आपका भाग्यशाली रंग रहेगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। आप आराम महसूस करेंगे, काम पर आपको लाभ होगा, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, आपकी आय में वृद्धि हो रही है। आपको सावधान भी रहना चाहिए, अपने बजट का ख्याल रखना चाहिए, जिससे आप आज लव लाइफ में शादी करना चाहते हैं, आज उसकी ओर से आपको सकारात्मक संकेत मिल सकता है। आज आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं और शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं। कार्यालय में आपसी परेशानी पैदा हो सकती है, आज आपको चल रही परेशानी को झेलना होगा, जिसने आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना दिया है। घबराएं नहीं, क्योंकि ये रुकावटें अस्थाई हैं और जल्द ही दूर हो जाएंगी। कार्यालय में रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, लेकिन याद रखें कि आप इस बारे में अपने उच्च अधिकारियों को नहीं बता सकते। आर्थिक मामलों से जुड़े समाचार अच्छे ही होंगे। ये समय है कि आप अपनी आर्थिक योजना पर फिर से विचार करें और लंबे भविष्य के लिए बजट की व्यवस्था करें। आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए हिचके नहीं, आपकी शुरुआत से भविष्य में अच्छा फायदा होगा।
आज आपको हेल्थ के मामले में अगर हाइपरटेंशन जैसी परेशानी है तो निजात आप पा सकते हैं, क्योंकि आप बाहर टहलने जाएंगे, वजन घटाने के बारे में सोचेंगे तो आपको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिलेगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आपके लिए दिन का सबसे भाग्यशाली समय शाम 5:15 से 6:15 का रहेगा। आपके लिए लाल रंग आज लकी रहेगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, चंद्रमा की कर्क में उपस्थिति के कारण आज का दिन घर पर रहने के लिए अच्छा है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार आज के दिन घरेलू कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहने से आपको शांति और संपन्नता मिलेगी। इसके साथ साथ आपको अपने परिवार के साथ अच्छे संबंधों का महत्व और अपने घरेलू जीवन और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत का भी आभास होगा। इसलिए इस दिन को अपने परिवार के लिए बचा के रखें। कोई ऐसी योजना बनाएं जिसमें आपके परिवार के योगदान की जरूरत हो। आज आपकी शादी का भविष्य सुनहरा दिख रहा है। अगर आप अकेले हैं या आपकी सगाई हो चुकी है तो कोशिश करें कि आज के दिन आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं, क्योंकि आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपकी खोज भी आपके पार्टनर के लिए पूरी हुई है। आज इस मामले में निर्णय लेना आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर की बात की जाए तो आज आप अपने कार्यालय में तनावपूर्ण माहौल पा सकते हैं। आप अपने आप को शांत रखें वरना इसके कारण परेशानी आ सकती है। आज आपका सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आप शांति से काम करें और अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति के मामले में आज विदेश से आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आपने विदेश में निवेश किया है अथवा विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है तो आपकी इच्छा पूरी होगी। खुशखबरी मिलेगी। सितारे आपके पक्ष में हैं। सकारात्मक विचार बनाए रखें। हेल्थ के मामले में दिल के मरीजों के लिए अच्छा होगा कि वे कसरत करें और अपनी सेहत ठीक रखें। ध्यान रहे, लगातार कसरत करने से दिल अच्छा काम करता है और दूसरी तरफ ये वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों में भी मदद करता है। आज के दिन का सबसे शुभ समय 5:00 से 6:00 का रहेगा और आपका लकी कलर नीला रहेगा। कॉमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद। बात करते हैं कर्क राशि की। तो प्रिय कर्क राशि के जातक, कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपके जीवन में अशांति और थोड़ी निराशा आ सकती है। ये बदलाव और कुछ बेहतर करने का समय है। परिवार का कोई सदस्य आपको निराश कर सकता है। शांत रहने का प्रयास करें। अपने व्यवहार में अंतर ना आने दें। अगर आप दूसरी शादी की तलाश में हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप इस बारे में निराश हो चुके हैं पर आज आपका पार्टनर कहीं से भी आपको मिल सकता है। वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो अकेला हो चुका है और आपके लिए शादी का प्रस्ताव रखना चाहता है। करियर के मामले में आज आप अपनी कलात्मकता व उपलब्धियों के लिए और अधिक पहचान पाना चाहते हैं। आज आपको लगेगा कि आपकी संस्था में आपको उतनी पहचान नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। इस मुद्दे को अधिक ना बिगड़ने दें बल्कि इस बात का ध्यान रखें कि आपके बॉस को पता हो कि आप कितना काम करते हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से तरक्की मिलेगी। ये अच्छी तरह से जान समझ लें कि आप अगर साझेदारी कर रहे हैं तो आपका साझेदार कौन है। आज के दिन किसी विदेशी पार्टी या विदेशी बाजार से आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। हेल्थ के मामले में जिन्हें दिल की परेशानी है आज उन्हें अच्छे से अपनी डाइट प्लान करनी चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अब आपको आशा की किरण भी दिखाई देगी क्योंकि हेल्थ सुधरने लगेगी। तले भुने खाने से दूर रहें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार दोपहर 1 से 2 का समय लकी रहेगा। लाल रंग आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, चंद्रमा आज कर्क राशि में है। आपको अपनी सभी कठिनाइयों और प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आपको अपने जीवन में परेशान करते रहे हैं। अंत में पर्सनल विवाद आपके जीवन से बाहर का रास्ता दिखाएगा और जल्द ही सुलझ जाएगा। इससे आपके जीवन में शांति आएगी जिसकी कमी आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे। शांति के बिना जीवन एक नरक है जो किसी के भी जीवन में हर समस्या को जन्म देता है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आपके जीवन में अवसाद और चिंता का स्त्रोत्र ये पारिवारिक संघर्ष था और अब ये शांति को जन्म देने के लिए तय किया गया है। विवाद में शामिल हर व्यक्ति फैसले से संतुष्ट होगा। पारिवारिक स्तर पर आ रही अड़चनें आज दूर होंगी। लव लाइफ में टाइम अच्छा रहेगा। करियर के मामले में आज आपको अपनी जिंदगी सुधारने के लिए अपनी कलात्मकता को उभारना चाहिए। आपके पास बहुत सा अन्वेषित हुनर है जिसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और जिसके कारण
आपके करियर में वृद्धि हो सकती है। अपने लंबे समय के लाभ के लिए अपने कलात्मक हुनर को और संवारे। अगर आप अपने रहन सहन में बदलाव या किसी नई जगह घूमने की सोच रहे हैं तो आज इसकी शुरुआत के लिए बढ़िया दिन है। कोई नई नौकरी मिल सकती है या कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको किसी नई जगह की यात्रा करनी पड़ सकती है। अनचाहा दबाव आपको ब्लड प्रेशर दे सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए आज स्ट्रेस को अवॉइड करें। शाम 4 से 5 का समय शुभ रहेगा। पुखराज पहनने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूर कंसल्ट कर लें बिफोर वेयरिंग एनी जेम स्टोन। थैंक यू सो मच। आज आपका लकी कलर रहेगा पीला और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातक, कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ काम कर पाएंगे। जीवन में प्रगति के लिए लगातार प्रयास कर सकते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने और कार्रवाई करने का है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम कर सकते हैं। जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं उसमें सुधार करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा के लिए क्रीम कलर के कपड़े पहन सकते हैं। सुबह 11:45 से दोपहर 2:25 तक का समय लकी होगा। लव लाइफ के मामले में अगर आप पार्टनर के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज ना करें। अगर वो व्यक्ति आपका दोस्त या अपेक्षित है लेकिन आपका उतना निकट नहीं है तो निर्णय लेने से पहले दोबारा सोचें। करियर के मामले में आज आप कलात्मकता से भरे रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे विचारों को जन्म देते हैं। इन विचारों पर अच्छी तरह से ध्यान दें और इनको वास्तविकता में बदलें। आप इन विचारों के बारे में पहले से ही अपने दोस्तों को बता सकते हैं, लेकिन किसी भी अजनबी के सामने इन विचारों के बारे में जिक्र ना करें। आर्थिक स्थिति के मामले में अगर आप आयात निर्यात के बिजनेस में हैं तो आज का दिन बड़े काम का दिन है। व्यापार के नए नए प्रस्ताव आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। सभी विकल्पों को गौर से समझिए, जो अच्छा लगे उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि आज का दिन तो आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली दिन है। हेल्थ के मामले में किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर ना पड़ने दें। आज के दिन आराम के लिए समय निकालें। आपको थोड़ा सब्र रखने की भी जरूरत है। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा के लिए क्रीम कलर के कपड़े पहने। सुबह 11:45 से दोपहर 2:25 तक का समय आपके लिए लकी रहेगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आज क्या है खास। प्रिय तुला राशि, आज का दिन आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर आपको आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चय बनाएगा। इस समय आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए इच्छुक होंगे। चंद्रमा का गोचर आपको अधिक शक्तिशाली महसूस कराएगा। आज आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आज किसी आश्चर्यजनक स्तोत्र से आपको प्रस्ताव मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए संकेत करता है कि आपको अपने किसी दोस्त से प्रस्ताव मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अगर आप एक कलाकार या हस्तशिल्पी हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आप पाएंगे कि आपकी कलात्मकता अपनी चरम सीमा पर है, इसलिए आज आप बहुत बढ़िया विचारों को जन्म देंगे। अगर आप किसी संस्थान में काम करते हैं तो आपके उच्च अधिकारी किसी प्रोजेक्ट के लिए आपकी सराहना करेंगे। किसी विदेशी कंपनी से आपकी साझेदारी से आपको आज फायदा होगा। ये सही समय है कि अपने विदेशी ग्राहकों के साथ कोई बड़ा लेन देन किया जाए। हेल्थ के मामले में आज आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी हो सकती है। रोज के काम में लगे रहें ताकि टेंशन कम रहे। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है तो अच्छे चिकित्सक के पास जरूर जाएं। आज के दिन आपका शुभ समय 3:15 का रहेगा। ग्रीन कलर लकी कलर रहेगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज के दिन कुछ लोग आपको ऊर्जावान महसूस कराएंगे। अपने टारगेट को सेट करके काम करें। आज का दिन बाहर जाने के लिए सही है। आप क्रिएटिविटी से आज काम कर पाएंगे। ऑफिस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो आपका मन अच्छा बनाएंगे। लव लाइफ में अगर हाल में आपको किसी दोस्त ने प्रस्ताव दिया है तो अच्छी तरह सोचें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए एकाएक आया है। अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय मांगने में कोई हर्ज नहीं है। करियर की बात करते हैं। अगर आज आप अपने ऑफिस में परेशानियों को हल करने के लिए नवीन विचारों का प्रयोग करें तो आपको बहुत लाभ होगा। ध्यान रखें कि कभी कभी छोटी छोटी सोच भी बड़े काम करती है।
इससे आप कम समय में अधिक काम कर पाएंगे और बहस से भी बच सकते हैं। कहीं दूर से आर्थिक फायदे की उम्मीद है, आज के दिन कुछ अच्छे आर्थिक फायदे हो सकते हैं। निवेश करने की सोच रहे हैं तो आगे बढ़ें। हेल्थ के मामले में आज आपको अपने दांतों का चेकअप जरूर कराना चाहिए। हो सके तो आपको अपने मोटापे को कम करने के बारे में भी आज सोचना चाहिए। सुबह 11 से 12 का समय और शाम 6 से 8 का समय आपके लिए लकी रहेगा। सफेद कलर आज आपका लकी कलर रहेगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद। अगली राशि है हमारी धनु राशि। प्रिय धनु राशि, आज आपका मन करेगा कि घर से बाहर निकलकर लोगों से बात की जाए। कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपका आध्यात्मिक झुकाव हो सकता है। आपको कुछ तनाव और दबाव का अनुभव होगा। किसी पार्क या सार्वजनिक क्षेत्र में जा सकते हैं, आप आराम महसूस करेंगे। आज आप अपने रोमांस को लेकर दुविधा में रहेंगे, क्योंकि आपकी पसंद को लेकर आपके परिवार वालों और दोस्तों की सहमति नहीं होगी, क्योंकि वे आपका भला चाहते हैं, इसलिए उनकी बात पर ध्यान जरूर दें। करियर के मामले में आज आपकी अलग और रचनात्मक सोच आपके आसपास के लोगों पर कुछ अच्छा प्रभाव डालेगी। आज आप उन लोगों की मदद कर पाएंगे जो बहुत दिनों से किसी समस्या को हल करने में लगे हुए हैं। अपने रचनात्मक दिमाग का उपयोग करें। आप पाएंगे कि आप उन्हीं सभी परेशानियों का हल ढूंढ लेंगे जिनका हल ढूंढना औरों के लिए असंभव है। अगर आपके पास निवेश करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा है तो आपको निवेश के कई सारे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। लंबे समय के निवेश के ख्याल से संपत्ति में पैसा लगाना ठीक रहेगा। आज आप बचकर रहें। ज्यादा तनाव और टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दिमाग को ठंडा रखें और टेंशन ना लें। आज के दिन अपने खाने में शुगर की मात्रा कितनी ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। आपको ज्यादा कसरत करनी चाहिए। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार शाम 6 से 7 का समय लकी रहेगा। लाल रंग आपका लकी कलर रहेगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, चंद्रमा की गति के कारण आज आप थोड़ा तनाव में हो सकते हैं। बस आराम करें और चिंता ना करें। ये सब पिछले कुछ हफ्तों से आप पर अतिरिक्त कार्यभार का परिणाम हो सकता है। अपने गुस्से को नियंत्रित करने और अपने गुस्से को कम करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको कभी कोई फायदा नहीं होगा। अपनी और साथ ही साथ दूसरों की मानसिक शांति के लिए शांत रहने की कोशिश करें। यहां तक कि अगर आप खुद को उत्तेजित पाते हैं तो तर्कसंगत रूप से स्थिति पर प्रतिक्रिया दें। आज आपकी शादी के बारे में परिवार वालों या पार्टनर के परिवार वालों की तरफ से असहमति के कारण अड़चने आ सकती हैं। धीरज रखें। अगर इस रिश्ते को लेकर आप आश्वस्त हैं तो अपने परिवार वालों व दोस्तों को समझाने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करें। करियर की बात की जाए तो अपने व्यावसायिक सपनों को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। किसी भी नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी अच्छी तरह से योजना बना लें। ये सही समय है इस बात पर ध्यान देने का कि आपका व्यवसाय कितना फैल रहा है। अगर आप अपने व्यवसाय को लेकर एक सही और अच्छी योजना बनाएं तो आपको लाभ अवश्य होगा। हालांकि आज व्यापार में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी, पर आपको इसका डर लगा रह सकता है। चिंता मत कीजिए, कोई अड़चन आई भी तो क्षणिक होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और भविष्य में आपको अच्छा लाभ भी मिलने वाला है। आप मेहनत करते रहिए और अपने बजट लायक कोई अच्छा काम हाथ आए तो उसे पकड़ते भी रहिए। आज आपको कोई पाचन की समस्या हो सकती है। हेल्थ के मामले में अपने खान पान पर आज ध्यान दें। 3 से 4 का समय लकी रहेगा। पीला रंग आपका लकी कलर रहेगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, आपके पास विचारों की स्पष्टता होगी और कर्क राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आप प्रमुख निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस समय का उपयोग किसी भी पेंडिंग काम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए करें। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार आप आज अपने निजी जीवन में कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। अपनी स्पष्ट समझ से आप सचेत रहेंगे कि आपको आगे क्या करने की आवश्यकता है। अकेले व्यक्ति जो अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति को प्रस्ताव भेजना चाहते हैं, आज धीरज रखें। जल्दबाजी के बजाय उस व्यक्ति को और अच्छी तरह जानने की कोशिश करें। करियर के मामले में अपने समय और योग्यताओं का उपयोग करने के लिए अपने आप को कुछ रचनात्मक काम में व्यस्त रखने का ये सही समय है। अच्छा होगा अगर आप इस समय अपने कार्यालय में चुनौतियों को स्वीकार करें। इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
इस समय आपको अपने ही जैसे लोगों से जुड़ना चाहिए ताकि आप अपने प्रयासों में उनकी मदद ले सकें। लॉटरी पर दाव लगाना जारी रखिए क्योंकि आज आपको कहीं से अचानक धन मिलने के संकेत हैं। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ दें। बस आर्थिक लाभ के लिए हाथ पैर मारते रहें। हेल्थ के मामले में आज टेंशन से दूर रहें, हेल्थ अच्छी रहेगी। आज के दिन अपनी स्किन केयर का थोड़ा ध्यान रखें, आपको भी अच्छा लगेगा। आज के दिन आपका लकी समय रहेगा शाम 4 से 7 का। लकी कलर आपके लिए रहेगा पीला। धन्यवाद। बात करते हैं मीन राशि की, तो प्रिय मीन राशि के जातक, चंद्रमा इस दौरान कर्क राशि में स्थित है और चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से डीमोटिवेटेड और डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी आपके करियर में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अपना फोकस बनाए रखने का सुझाव देते हैं। आपको अपने कार्यों को समय पर करने के लिए एक अच्छी रणनीति की योजना बनानी चाहिए। भविष्य में सफलता पाने की स्ट्रैटेजी चुनने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। अगर आज आप अपने प्रेम जीवन के बारे में अपने दोस्तों व परिवार वालों के बीच कुछ नई प्रगति का खुलासा करने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप कुछ और प्रतीक्षा करें, क्योंकि ये निर्णय आपका भविष्य बदल सकता है। करियर के मामले में आज आपको अपने अधिकारियों का दबाव महसूस हो सकता है, थोड़ा सा आराम करें। बीमा क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने अच्छे काम के लिए खुद को सम्मान दीजिए। बैंक से ज्यादा नहीं कुछ पैसे अपने लिए निकालिए और मनोरंजन के लिए उसे यूज करिए। हेल्थ के मामले में जिन्हें भी ब्लड प्रेशर की परेशानी है, आज तनावपूर्ण कार्यों से दूर रहना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए योग करें ताकि आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या कम हो जाए। 3 से 5 का समय आपके लिए लकी रहने वाला है। सुनहरा रंग आज आपका लकी कलर रहेगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।